क्योंकि पूरा फ्रिज नहीं खुलेगा, आप सिर्फ इतना पोर्शन खोल रहे हो। ये वाला एरिया मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। ओह हाय, सो जैसे कि आप देख सकते हो ये है मेरा नया फ्रिज जो कि अमेजिंग है, सुपर स्पेशियस है और बहुत ही अच्छे हाईटेक फीचर्स के साथ आता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा फ्रिज का फुल रिव्यू। मैं सारे पॉइंट्स लेने की कोशिश करूंगी कि अगर आपके मन में भी कुछ डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। बाय द वे ये है एलजी का नॉक नॉक फ्रिज जो कि आता है वाटर डिस्पेंसर के साथ में। ये इसका डिस्प्ले पैनल है और ये 10 ईयर वारंटी के साथ आता है, प्लस इन्वर्टर लाइन या टेक्नोलॉजी है इसमें। तो ये तो देखिए बहुत ही बेसिक से एक बोल सकते हैं जिसे हर एक फ्रिज में आते हैं। अगर आप इस बजट में कोई भी फ्रिज खरीदेंगे तो सब में आएंगे, सारे ब्रांड अच्छे हैं, आप किसी भी ब्रांड का फ्रिज ले सकते हैं। बट ये वाला जो फ्रिज है हमने इसके लुक की वजह से लिया है क्योंकि इसका जो लुक है वो हमें बहुत अमेजिंग लगता है। तो जैसे कि हमने देख लिया ये नॉक नॉक वाला जो फ्रिज है ये डोर इन डोर फ्रिज है। डोर इन डोर मतलब ये आपका पूरा भी ओपन हो जाएगा और ये इस तरह से भी ओपन हो जाएगा, ये देखिए। तो है ना एकदम कमाल की बात। मतलब ज़्यादातर हम जो फ्रिज यूज़ करते हैं पानी निकालने के लिए, या आप बटर रख सकते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं जो आप बार बार निकालते हैं, उससे क्या होगा इसकी जो कूलिंग है वो मेंटेन रहेगी, इसकी जो कूलिंग है वो डाउन नहीं होगी क्योंकि पूरा फ्रिज नहीं खुलेगा, आप सिर्फ इतना पोर्शन खोल रहे हो और उससे अपना जो भी आपको सामान लेना है आप इजीली ले सकते हो। तो ये इसलिए भी काफ़ी बेटर फीचर है इस तरह का जो डोर है। और मैंने यहाँ पे इस तरह की खाने पीने वाली चीज़ें रखी हुई हैं और ये एक आप बोल सकते हैं मिनी बार भी हो गया है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे वाटर बॉटल है और जूसेस वगैरह है, मतलब जो भी आपको ड्रिंक पसंद है या जो भी रखना पसंद है आप यहाँ पे रख सकते हो। और ये जो ग्लास है काफ़ी स्टर्डी है, काफ़ी मजबूत है, पूरा फ्रिज काफ़ी स्टर्डी है, काफ़ी अच्छा है। और स्टार्टिंग में हमें नहीं पता था कि इतने बड़े फ्रिज के साथ में व्हील्स आते हैं, इसके व्हील्स काफ़ी अच्छे हैं तो मैं भी इसको इजीली इधर से उधर कर सकती हूँ। और काफ़ी मतलब अच्छा इसका ये फीचर है कि इसमें अच्छे से व्हील्स दिए गए हैं काफ़ी अच्छे, तो जिसकी वजह से हम इसे खिसका सकते हैं आराम से। तो जैसे कि मेरा काम होता है कि मुझे रेसिपी डेली शूट करनी होती है, डेली उसकी प्रिपरेशन करनी होती है, तो लाइक अगर मैं पहले से कुछ प्रिपेयर करके सब्जी वगैरह काट के रखना चाहती हूँ तो मैं इसमें रख सकती हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही काम का फ्रिज हो गया है। या फिर कोई मैंने रेसिपी शूट की है वो बच गई है, हम उसे एक दिन में नहीं खा सकते हैं तो भी हम इसमें आराम से रख सकते हैं, जगह की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा कुछ ना कुछ डेली आता ही रहता है रेसिपी शूट करने के लिए, लाइक क्रीम आ रही है या कुछ अलग सी चीज़ें आती ही रहती हैं, तो वो क्या होता है फिर वो वेस्ट ना हो उसके लिए मैं आराम से उसको फ्रिज में रख सकती हूँ। पहले वाले फ्रिज में स्टोरेज की बहुत कमी थी, अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता था, बट इसमें स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। अब मैं आपको इसको अंदर से दिखाती हूँ कि मैंने इसे कैसे ऑर्गेनाइज किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 पूरे 5 कंपाउंड दिए गए हैं जो बहुत ही स्पेशियस है। ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा सा ही सामान रख सकते हैं, इसमें अच्छा खासा सामान आ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने डबल चीज़ें रखी हुई हैं, यहाँ पे जूस भी है, तो यहाँ पे ये एक और डब्बा भी रखा हुआ है, एक और डब्बा है, तो इस तरह से आप देख सकते हो काफ़ी स्पेस है। ऊपर भी सेम यही है और उसके ऊपर भी सेम यही है, काफ़ी स्पेस दी गई है। और हम इसे बाहर से भी कुछ हमें लेना है यहाँ से तो हम बाहर से भी ले सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया था, और इसके अलावा हम इसे अंदर से भी निकाल सकते हैं अगर हमें कुछ भी निकालना है तो इस तरह से। तो इसकी ज़्यादा हाइट है तो यहाँ पे मैंने पानी की बॉटल रखी हैं इस तरह से, इनकी हाइट इतनी नहीं है तो इसलिए यहाँ पे पानी की बॉटल्स नहीं रख सकते। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी हाइट वाली चीज़ रखनी है तो आप यहाँ पे रख सकते हो, और बहुत ही स्पेस है। यहाँ पे मैंने 4 बॉटल्स रखी हैं, इसी तरह की 4 बॉटल्स और आ जाएंगी तो काफ़ी स्पेस है इसमें। इसके अलावा यहाँ पे सारी सॉसेस हैं, सिरप है, और यहाँ पे मायो है, ये ग्लूकोन डी है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, कॉफ़ी है। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं। मैं सॉसेस वगैरह पहले वाले फ्रिज में भी एकदम नीचे रखती थी और इस वाले फ्रिज में भी मैं एकदम नीचे ही रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है बेटर रहेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पे मैंने लहसुन को छील के रखा हुआ है,
ताकि जब भी ज़रूरत हो तो मैं इसमें से निकाल लूँ और यूज़ कर लूँ। और बाय द वे यहाँ पे भी आप हाइट वाली चीज़ें भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने सॉस की बॉटल रखी है, इसकी काफ़ी हाइट है, तो यहाँ पे हाइट वाली चीज़ें आ जाएंगी। नीचे का जो स्पेस है थोड़ा सा ओपन ऐसे ही रखा हुआ है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप बास्केट वगैरह कुछ नहीं दी है, वो ऐसे ही रखा हुआ है। ये वाला जो पूरा एरिया है ये फ्रिज है, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो डोर में है ये सारी चीज़ें, और ये जो अंदर है ये सब फ्रिज में रखने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे फ्रीज़र नहीं है, ये फ्रिज है पूरा। तो फ्रिज में हमने क्या क्या रखा है हम देखते हैं। ऊपर वाले पोर्शन में मैंने अपनी ज़रूरत की ही चीज़ें रखी हैं, जैसे कि यहाँ पे बटर है, इसके अलावा एक टिन रखा हुआ है कॉर्न का, एक्स्ट्रा मिल्क है, एग है, और यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो जूसेस वगैरह हैं, छाछ है, और मैंने यहाँ पे ये धनिया भी स्टोर करके रखा हुआ है। इसकी जो वीडियो है एक सेपरेट वीडियो है, आप देख सकते हो, इसे मैंने काफ़ी टाइम हो गया है, 15 डेज ऑलमोस्ट हो गए हैं इसको स्टोर किए हुए, और ये एकदम फ्रेश है और बिल्कुल सही है। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर देख सकते हो, आपको ईजिली मिल जाएगा कि आप धनिया को कैसे स्टोर कर सकते हो पूरे 1 मंथ तक। इसके अलावा ये है एक वाइन रैक, या फिर आप जिस पे जूसेस रख सकते हो, अगर प्लास्टिक की बॉटल है पानी की तो पानी की बॉटल भी रख सकते हो। तो यहाँ पे हमने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखी हुई हैं, जूस रखा हुआ है, ताकि कोई भी गेस्ट आए तो फिर प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इतना बड़ा फ्रिज है तो यहाँ पर हम आराम से भी स्टोर कर सकते हैं। ये वाली जो यूनिट है ये मैं यूज़ करूँगी अगर कुछ रेसिपी बच जाती है या लेफ़्ट ओवर खाना है, जैसे मैंने यहाँ पे आलू की सब्ज़ी रखी हुई है, इस तरह की चीज़ों के लिए। मैं आप यहाँ पे आपको एक छोटी सी टिप दूंगी कि अगर आप इस तरीके के कंटेनर्स ले लें, आपकी मर्ज़ी है आप ग्लास के लें, स्टील के लें या प्लास्टिक के लें, और उसमें खाना स्टोर करें, तो आपका जो फ्रिज है वो गंदा होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। अगर आप कटोरी और प्लेट से कुछ ढक के ऐसे ही रख देते हैं तो एक तो उसके अंदर भी स्मेल अच्छी नहीं आती है, फ्रिज में भी स्मेल फैल जाती है। वैसे तो इसमें स्मेल के लिए वो दिया गया है फीचर, वो मैं आपको बताती हूँ, और इससे क्या होता है फिर आपका जो खाना है वो भी सही रहता है। तो यहाँ पे मैं छोटी सी टिप दे रही हूँ कि आप इस तरीके से अपने खाने को स्टोर करें। और यहाँ पे है ग्रीन चिली, तो मैंने ग्रीन चिली को कैसे स्टोर किया है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से अगर आप टिश्यू पेपर लगा के इसके डंठल निकाल दें और इस टिश्यू पेपर नीचे लगा दें, कोई भी डब्बा ले लें प्लास्टिक का, स्टील का, और इस तरह से आप ग्रीन चिली को स्टोर कर सकते हैं। आपकी ग्रीन चिली काफ़ी लंबे समय तक बिल्कुल सही रहेंगी, बिल्कुल भी ऐसे अनफ्रेश नहीं लगेंगी, एकदम फ्रेश लगेंगी। और ये काफ़ी पुरानी हो गई हैं, इसको भी हम रख देते हैं। अभी फ़िलहाल ज़्यादा लेफ़्ट ओवर खाना नहीं है, यहाँ पे गुलाब जामुन का डब्बा है, यहाँ पे सारी स्वीट्स रख दी हैं मैंने, और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि इससे पहले काफ़ी कंजेस्टेड हो जाता था, तो अभी मैं आराम से रख पा रही हूँ हर एक चीज़ को। तो अभी जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ मैं वो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। इसके अलावा यहाँ पे हमारा है चॉकलेट कॉर्नर, हम लोग चॉकलेट लवर हैं, मतलब मैं और मेरे बच्चे, स्पेशली मैं तो हूँ बचपन से, बच्चों को भी चॉकलेट्स ऑब्वियसली पसंद होती हैं, तो इसलिए मैंने पूरा ये डेडिकेटेड किया है चॉकलेट्स के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एरिया मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, यहाँ पे पूरा मैंने चॉकलेट का बना दिया है, तो जो भी पसंद की चॉकलेट खाने का मन हो ऐसे ही मन भर जाएगा, हम खाएंगे ही नहीं, ऐसे ही सजी हुई काफ़ी अच्छी लग रही हैं। तो ये पूरा मैंने चॉकलेट को डेडिकेट किया है क्योंकि मैं चॉकलेट लवर हूँ, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे चॉकलेट रख दी है। बट ये शूट ख़त्म होने के बाद पक्का मैं ये वाली खाने वाली हूँ। अब आपको नीचे का दिख ही रहा होगा कि मैंने क्या क्या स्टोर किया है, यहाँ पे सारे फ्रूट सब्जियाँ वगैरह मैंने आराम से स्टोर कर ली हैं। अच्छा, ये जो आप रिंग सुन रहे हो ये फ्रिज की ही है, वो हमें बताता है कि आपका फ्रिज जो है खुला रह गया है, तो मैंने खोल रखा है तो इसलिए वो बार बार जो है बेल हो रही है। यहाँ पे मैंने फ्रूट रखे हुए हैं, और फ्रूट हम इजीली स्टोर कर सकते हैं, मतलब लंबे समय तक, और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं इस फ्रिज में। इस फ्रिज की जो खास बात है वो यही है, तो जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी रखी हुई है क्योंकि मुझे इस तरह से स्टोर करके रखना अच्छा लगता है कि फ्रिज में मतलब रखा रहे और जब हमारा मन करे हम लोग खा सके। यहाँ पे मैंने कीवी रखी हुई है, ये है ड्रैगन फ्रूट, और एकदम लास्ट में ग्रेप्स हैं। मुझे इस तरह से सब्जियाँ फ्रूट्स स्टोर करके रखना बहुत पसंद है, उसे क्या होता है फिर जब वो रखा रहता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं सब्जियाँ भी और फल भी,
जो बहुत ज़रूरी भी है। नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा एक वाटर डिस्पेंसर जो कि है 4 लीटर का। इसमें हमें क्या करना है, पानी भरना है, उसी से जो है आइस भी आएगी, पानी भी आएगा और क्रश आइस भी आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेश वाटर पुल एंड फिल, यानी इसको हमें पुल करना है, खींचना है और उसमें पानी भर देना है। वैसे ये पूरी तरह से रिमूव हो जाता है, उसके बाद भी आप चाहें तो इसे क्लीन करके फिर पानी भर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं सेकंड लास्ट में क्या है। अच्छा, ये जो स्लाइड है काफ़ी एकदम स्मूद है, बहुत ही स्मूदली ये स्लाइड होते हैं, खोलने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको। ये देखिए बहुत ही ईजिली स्लाइड हो रहा है। यहाँ पे हमारी सारी सब्जियाँ हैं, तो सब्जियों में देखते हैं क्या क्या रखा हुआ है मैंने। वहाँ पे गोभी है, शिमला मिर्ची है, कुकुम्बर है, लौकी है, कटहल है और ये है नींबू, और इसी के साथ ये कलर वाली शिमला मिर्च है जो मुझे शूट में बहुत काम आती है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कितना स्टोर अभी भी बच रहा है, मतलब इतनी सब्जियां रखने के बाद भी काफ़ी स्टोरेज है इसमें और सब्जियां रखने के लिए। तो इसको हम बंद कर देते हैं, ये देखिए कितना इजीली बंद हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये फ्रेश बैलेंसर आप देख सकते हो, यहाँ पे वेजिटेबल लिखा है और यहाँ पे फ्रूट लिखा है। तो मैंने इसे वेजिटेबल पे किया हुआ है क्योंकि मैंने इसमें वेजिटेबल्स रखी हुई हैं। अगर आपने फ्रूट रखे हैं तो हम इसे फ्रूट पे भी कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन इसमें बेस्ट है। एकदम लास्ट वाले में मैंने यहाँ पे फ्रूट्स रखे हुए हैं, तो अगर मैं इसको इस तरह से खोलूँगी तो ये इजिली खुल जाएगा और स्लाइड होके बंद हो जाएगा। सामने आप देख रहे हो हाइजीन फ्रेश करके एक फ़ीचर है जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है, जिसे आपको ऑन ही रखना है। आप इसे ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, हमारा ये जो फ्रिज है एकदम मेंटेन रहेगा, हाइजीन फ्रेश रहेगा और कोई भी स्मेल नहीं आने देगा। जो भी स्मेल होगी वो ईजिली रिमूव हो जाएगी, तो इसलिए हमें इसे ऑन ही रखना है। तो अभी भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी भी आ सकती हैं। इस फ्रिज का जो फ्रीज़र है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस है फ्रीज़र में। तो अगर आपको भी फ्रीज़र की ज़रूरत पड़ती है तो ये वाला फ्रिज आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस है फ्रीज़र में। तो गर्मियों में हम लोगों को बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाना भी पसंद है और जमाना भी बहुत पसंद है घर की बनी हुई, तो इसलिए हमें जो फ्रीज़र वाला सेक्शन था वो बड़ा ही चाहिए था, और फ्रीज़र की बहुत ज़रूरत पड़ती भी है आज के टाइम में। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने आइसक्रीम रखी है, और चीज़ तो आजकल सभी के घर में नॉर्मल है, तो चीज़ तो हम रखते ही हैं, तो इसलिए फ्रीज़र में चीज़ एकदम सही रहती है। सबसे ऊपर रखी हैं 2 आइसक्रीम और यहाँ पे चीज़ रखा हुआ है, सारा ये चीज़ का सेक्शन है। तो जैसे कि रेसिपी में चीज़ बहुत यूज़ होता है तो बहुत से लोग पूछते हैं, तो ये मोज़रेला चीज़ है जो कि पिज़्ज़ा चीज़ होता है, ये भी मोज़रेला चीज़ है। और ये है पनीर, ये पनीर है, और ये वाला चीज़ मिक्स है जिसमें चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ है, दोनों ही है। और यहाँ पे मैंने एक मटर का पैकेट रखा हुआ है, ये फ्रोज़न मटर का पैकेट है। तो वीडियो शूट वगैरह में इमीडिएटली ज़रूरत पड़ती है तो फ्रोज़न मटर रखना बेटर होता है। इसके अलावा भी यहाँ पे फ्रोज़न फूड है, तो यहाँ पे हमने चिकन को फ्रोज़न रखा हुआ है और आप देख सकते हो कितना जम रहा है, मतलब ये जो फ्रीज़र है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी स्पेस है, ये देखिए नीचे भी एक और ड्रॉर है, तो काफ़ी स्पेस है नीचे भी। और इसके डोर में भी यूटिलिटी एरिया दिया गया है, यहाँ पे 2 बास्केट्स दी गई हैं, तो यहाँ पे भी कुछ भी रखा जा सकता है, कुछ भी मतलब जो फ्रोज़न है वही रख सकते हैं। और यहाँ पे बनती है आइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आइस पहले से ही बनी हुई है, आप जब उसमें पानी फिल कर दोगे तो ये आइस बनाना शुरू कर देता है और पहले से ही बना के रखता है। तो अब बात करते हैं इस डिस्प्ले की जिससे ये फ्रिज ऑपरेट होगा। तो ये हाइजीन वाला ऑप्शन है जो मैंने आपको अंदर दिखाया था, जिससे इसकी हाइजीन मेंटेन रहेगी। इसके अलावा ये वाईफाई से भी कनेक्ट हो जाता है, ये वाला आप देख सकते हैं, इसे ऑफ कर देते हैं अभी। और ये है फ्रीज़र का टेम्परेचर, ये देखिए फ्रीज़र का टेम्परेचर है, नॉर्मली इतना ही रखना होता है लेकिन आप इसे घटा बढ़ा सकते हैं। और ये फ्रिज का टेम्परेचर है जो कि नॉर्मली इतना ही रखना होता है लेकिन आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं है ना ज़्यादा सर्दी है, तो उसके हिसाब से ये 3 डिग्री बिल्कुल सही है। और ये है नॉन प्लम्बिंग ऑप्शन, और इसके अलावा ये है लॉक ऑप्शन जो कि बहुत ही बेस्ट है जिसके घर में बच्चे हैं। अगर मैं इसे 3 सेकेंड के लिए दबा के रखूँगी तो ये लॉक हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं दबेगा, ये देखिए कुछ भी नहीं दबेगा। तो इसे खोलने के लिए मैं इसको फिर से 3 सेकंड के लिए दबा के रखूँगी तो ये खुल जाएगा। ये वाला जो लॉक वाला ऑप्शन है ये बच्चों के लिए ज़्यादा बेटर है, अगर बच्चे हैं बार बार कुछ दबा रहे हैं तो आप ये लॉक वाला सिस्टम कर सकते हैं। और मैं इसे अभी ऑन कर देती हूँ, तो ये खुल गया है लॉक इसका।
तो बहुत ही सिंपल से फीचर हैं, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है इनमें। इसके अलावा यहाँ पे तीन ऑप्शन और दिए गए हैं नीचे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्यूब, यानी अगर आपको क्यूब चाहिए आइस क्यूब तो वो निकलेगा, वाटर चाहिए वाटर निकलेगा, और अगर आपको क्रश आइस चाहिए तो यहाँ पे क्रश्ड लिखा हुआ है तो आपको क्रश आइस मिलेगी। तो अभी हम चेक करेंगे कि जो आइस है और क्रश आइस है वाटर है वो कैसे निकलेगा। अगर मुझे वाटर चाहिए इसमें से, तो ये जो ये आप लाइट देख रहे हैं ये वाटर पे रहनी चाहिए, और मुझे इसको हल्का सा प्रेस करना है तो मैं ग्लास से ही प्रेस कर दूंगी, इसकी लाइट ऑन होगी और वाटर आने लग जाएगा, हल्की सी नॉइज भी होती है। और अगर आपको ये बंद करना है तो आप बस इसे हटाएं और ये इमीडिएटली बंद हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पानी भी नहीं गिरा है बिल्कुल भी। हमें यहाँ पे क्यूब पे दबा देना है और इसको प्रेस कर देना है। तो आपने देखा कितना स्पीड से इसने आइस भी दिए और ये अपने आप, जैसे ही मैंने इसको हटा लिया पुश से, तो ये अपने आप से बंद हो गया और एक भी आइस नीचे नहीं गिरा है। अब हम बर्फ को क्रश करेंगे, तो क्रश पे हमें दबा देना है इस तरह से, उसके बाद बस इसे सिंपली हमें प्रेस करना है और थोड़ा इसे नज़दीक। आप देख सकते हैं इसने बर्फ को ऑटोमेटिकली क्रश कर दिया है। तो ये वाला फीचर इनका एकदम कमाल का है, पानी वाला, आइस वाला और क्रश वाला। तो ये बाहर का डिस्पेंसर वाला फीचर मैंने आपको दिखा दिया और ये वाला भी हम लोग देख चुके हैं। तो यही है इसका जो एडिशनल फीचर से बाहर के, एकदम अमेजिंग है, आपने खुद भी देखा होगा वीडियो में। इस तरह से इसे लॉक कर देते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं किया है तो, और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को ज़रूर फॉलो करें। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इस फ्रिज को लेकर के तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हो सकता है मुझसे कुछ पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तो अभी के लिए बाय बाय। ये है संजीवनी जो कि जा रही है, बाय।